बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है तेजस्वी यादव के क्षेत्र की ही एक, जी हाँ आपको बता दें कि महिला एक लड़की जो है वह यूक्रेन में फंसी। तेजस्वी ने किया बड़ा ऐलान इस वक्त का, समाजवादी पार्टी की जीत होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। आ रही है बड़ी खबर विस्तार से 5 मिनट के अंदर, साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ को लेकर के। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा समाजवादी पार्टी की निकल गई गर्मी, अब पूरी तरीके से सुपड़ा साफ। इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे देश से कोरोना के बाद में लॉकडाउन संपूर्ण तरीकों से हटा दिया गया है, जिसका साथ बड़ा ऐलान किया गया। लालू प्रसाद यादव को लेकर के एक बार फिर से पटना आया जाएगा, लालू प्रसाद यादव पटना आने के लिए तैयार हो गए, बड़ी खबर। इसके साथ आपको बताएंगे आज के बड़ी और मुख्य समाचार में रेल यात्रा, अगर होली में अगर आप करने वाले हैं तो आपको जान लेनी चाहिए आज की बड़ी और मुख्य समाचार। इसके साथ दोस्तों बताया जाएगा आज के बड़ी समाचार में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें, मतदाता को लेकर के आने वाली बड़ी खबरें, लेकिन आप हमारे चित्र में रहेगा। चलिए सभी खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है लालू प्रसाद यादव को लेकर के। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को डुलंडा को चगार में एक बार फिर से दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई सीबीआई के कोर्ट में। जी हां, आपको बता दें कि सजा सुनाए जाने के बाद में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को पटना के सीबीआई कोर्ट में पेश करना था। इस दौरान लालू प्रसाद यादव की वीडियो कॉल पे जहां पेशी होनी थी, लेकिन दांत में दर्द होने के कारण लालू प्रसाद यादव को अभी फिलहाल पेश नहीं किया गया। यहां बांका को सगार में अब 30 मार्च को लालू प्रसाद यादव को पेश किया जाएगा, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है नीतीश कुमार को लेकर के। नए बजट के दौरान नीतीश कुमार दे सकते हैं बिहार के लोगों को बड़ा सौगात। बिहार में 30 अप्रैल के 28 तारीख को यानी कल बजट पेश किया जाएगा। बिहार के लोगों को इस पर उम्मीदें हैं कि इस बार के बजट में नीतीश कुमार देशवासियों को लिए कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। इसके साथ बिहार के तमाम लोगों को सबसे ज्यादा नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं, और नीतीश कुमार से इन उम्मीदों पर कितना खरे उतर पाते हैं ये तो कल पता चल ही जाएगा। बड़ी खबर निकल कर आई, बड़ी खबर निकलकर सामने इस वक्त आ रही है। जी आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर के तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से बड़ा नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत सरकार के तमाम अधिकारी पदाधिकारी ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसी कारण से मेरे ही क्षेत्र की एक युवती जो है वह फिलहाल यूक्रेन में फंसी हुई है। हालांकि इसे निकालने के लिए बीतपुर की इस युवती को निकालने के लिए मैंने भारत सरकार से आपका अनुरोध किया है, और अगर भारत सरकार चाहे तो बड़ी आसानी के साथ निकाल सकेगी। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बने तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बड़ी खबर, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही मुकेश सैनी को लेकर के। उत्तर प्रदेश के चुनाव में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने बड़ा बयान दिया, कहा इस बार संपूर्ण ताकत से जो चुनाव लड़े इसका नतीजा अब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर हमने मात दे दी है। भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर हमारे कारण हार का सामना करना पड़ रहा है, तो कई सीटों पर सीधे उनसे टक्कर की लड़ाई लेते हुए हम जीत के आसार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राहुल गांधी को लेकर के। यूक्रेन में फंसे तमाम लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार से, भारत सरकार से छात्रों को तुरंत निकालने के लिए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा यूक्रेन में युद्ध के माहौल से पहले ही भारत सरकार को तुरंत फैसला लेना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार चूक गई। अगर भारत सरकार चूक भी गई है तो फिलहाल सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर निर्णय लेना चाहिए और तमाम छात्रों को किसी भी रास्ते वहां से निकालने का पूरा प्रयास करना चाहिए। बड़ी खबर सामने निकल कर आई, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त की। दरअसल अपराधी एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा सिंपैथी के कारण एक बार चुनाव में जबरदस्त जीत मिलने वाली है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में चली गोली के कारण और उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के कई मुसलमानी क्षेत्र से चुनाव लड़ने के कारण अब जीत के अंदेशे साफ है। देखने वाली बात यह है कि एआईएम कितनी सीटों को जीत पाता है।
बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, इस वक्त की दरअसल आपको बता देते हैं दोस्तों, बड़ा खबर है। मारुति सुजुकी ने जहां अपना आपको बता दें कि नया बलेनो को लॉन्च किया, तो वहीं मारुति सुजुकी के साथ तमाम बड़ी कंपनियों ने भी अपने मोटर्स को उतारा। इस दौरान BMW भी पीछे नहीं है, BMW भी अपने मिनी कूपर को उतारते हुए जहां 44 करोड़ की आपको 44 लाख इस कार को चार्जिंग में उतारा, जो टेस्ला से तमाम कंपनियों को सीधे टक्कर देने के लिए काफी है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, यूक्रेन को जी हाँ अमेरिका सबसे ज्यादा मदद करने वाला है। यूक्रेन को अमेरिका विश्व युद्ध के तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम युद्ध छिड़ा हुआ है, इस पर जी हाँ सुरक्षा सहायता देने के लिए $600 मिलियन का यूक्रेन को सहायता देने अमेरिका आ गया है। अमेरिका के इस दिए गए जी हाँ सबसे बड़े डॉलर से कहीं ना कहीं लोगों को फायदा पहुंचेगा और इससे यूक्रेन और ज्यादा मजबूत हो सकेगा युद्ध लड़ने के लिए। बजट वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दुनिया ने देखा COVID-19 के डिजिटल तरीके से ऐप का सबसे बड़ा ताकत, जो कि भारत के डिजिटल होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऐसे दिए गए बयान के बाद में अब डिजिटल तरीके से भारत का ताकत और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा, कोविड के तौर पर दिखा डिजिटल तरीके से भारत का ताकत। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त के, ममता बनर्जी ने 2024 के अंदर अपने ताकतों को मजबूत करते हुए इस बार के चुनाव में संपूर्ण ताकत के साथ जीतने के दावों को पेश कर दिया। एक बार फिर से मोदी की लहर को रोकने के लिए ममता का वार क्या काफी होगा? ममता के हुंकार से मोदी डर जाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यह तो सवाल का जवाब 2024 में मिलेगा कि ममता किसके साथ हाथ मिलाती है, ताल मिलाकर किसके साथ आगे बढ़ती है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, चिराग पासवान ने बिहार में होने वाले MLC चुनाव को लेकर के अपने ताकतों को दिखाना शुरू किया। MLC चुनाव में चिराग पासवान ने कहा, अकेले लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, वक्त तक नहीं बिहार के लक्ष्य तक लड़ेंगे, बिहार के लोगों के लिए लड़ेंगे, मर मिटेंगे, लेकिन बिहार के लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रेम और व्यवहार बनी रहेगी, हमारी बड़ी खबर। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इस वक्त, दरअसल एयर इंडिया का विमान जो है वो एक बार फिर से बता दें दोस्तों, एयर इंडिया का विमान यूक्रेन से छात्रों को निकालने के लिए बुखारेस्ट में लैंड किया। एयर इंडिया का विमान भाई, आपको बता दें कि यूक्रेन से तमाम छात्रों को निकालने के लिए भारत अलग अलग अपनी रणनीतियां अपना रहा है, जिससे यूक्रेन में फंसे छात्रों को सबसे ज्यादा प्रयास कर निकाला जा सके। इसी दौरान एयर इंडिया का विमान एक बार फिर से सामने निकल कर साया है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, दिल्ली की सरकार ने यहां निकाय चुनाव को लेकर के एक बार फिर से नया बजट पेश किया। निकाय में होने वाले चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी ने बड़ा सवाल दिया। आपको बता दें कि इस बार के निकाय चुनाव में सबसे पहले आम आदमी पार्टी सर्वे करेगी कार्यकर्ताओं के साथ कि किसकी कितनी बहुमत हो सकती है, और उसके बाद में निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। आम आदमी पार्टी की रणनीति अब और ज्यादा सख्त और जागरूक हो गई है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के दरमियान EVM पर हुए गड़बड़ घोटाले को लेकर के अब चुनाव आयोग सख्त। चुनाव आयोग ने EVM मशीनों की जांच कर पूरी तरीके से प्रखता के साथ अब इसे उतारने की तैयारी की। किसी भी जगह पर EVM मशीनों में गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत वहां पर EVM मशीनों को बदला जाएगा, चेंज किया जाएगा। इसको लेकर के EVM मशीनों में हो रहे गड़बड़ घोटाले को अब बंद किया जा सकता है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध को लेकर के एक बार फिर से जहां भारत के अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा प्रभाव। जहां आपको देखिए शीशा बनाने वाले यानी कांच बनाने वाले फैक्ट्रियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, तो इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की मार भी सहना पड़ेगा हिंदुस्तान को। यूक्रेन और रूस के बीच में छिड़े युद्ध को लेकर के अब पूरी तरीके से दुनिया में त्रयमान की स्थिति, पेट्रोल की कीमत महंगी होगी हिंदुस्तान में भी। बड़ी खबर आई।
बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, सोने के चमक में 600 रुपए की गिरावट। सरफरा बाजारों में आज सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सोने की कीमत में गिरावट दर्ज किए जाने के बाद में लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। इसके साथ लोगों ने सरकार की जमकर तारीफें की। हालांकि मार्च महीनों के बाद में सोने की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल सोने की कीमत में गिरावट के साथ लोगों को राहत की तस्वीरें मिलती हुई नजर आई। शादी समारोहों में सोने गिफ्ट करने के वक्त सस्ता सोना मिल गया है। बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, एक बार फिर से जियो के नए प्लान से एयरटेल वीआई समेत तमाम कंपनियों को झटका लगा है। तो अब देश के अंदर 5G नेटवर्क को लॉन्च करने की भी शुरू हो गई है शुरुआत। दरअसल दूरसंचार मंत्रालय ने आज से, जी हाँ, आपको बता दें कि स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर के प्रक्रियाएं शुरू कर दी है। मार्च तक अपनी प्रतिक्रियाओं को मांगा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अगस्त तक देश में 5G नेटवर्क स्थापित हो जाएगा क्या। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इस वक्त, दोपहिया वाहनों पर सबसे बड़ा वार। दोपहिया वाहन काफी कम बिकने के कगार पर सबसे ज्यादा मुख्य कारण रिसर्च में सामने आया कि लोकल कंपनियों के चार्जिंग वाले बाइकों ने कम कीमत पर लोगों को लुभाया, जिसके कारण दोपहिया वाहनों के यहाँ खरीदारी में गिरावट दर्ज की जा रही है। हीरो होंडा और आपको बता दें कि TVS जैसी कंपनियों को लगा झटका। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त की, प्रीपेड मीटर लगाए जाने को लेकर के बिजली विभाग की कंपनियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा, आया सबसे बड़ा सर्वे। जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि अब जितना का रिचार्ज कराएंगे उतना ही बिजली जलाएंगे, नहीं तो अंधेरा में रह जाएंगे। इस तरीके के नारे को दे करके अब बिजली विभाग की कंपनियों ने प्रीपेड मीटर लगाना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर आई, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, 10 मार्च के नतीजे आएंगे। 11, 12 और 13 मार्च के साथ ही आपके घर पहुंचेगा मुफ्त LPG सिलेंडर, एक नहीं दो दो। समाजवादी पार्टी ने डिप्टी से, आपको बता दें कि आपको इस वक्त की बड़ी खबर आई, समाजवादी पार्टी ने कहा और अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के साथ स्टेज सजा करते हुए बड़ा बयान दिया। कहा, बस सरकार बनने के इंतजार है, एक सिलेंडर मुक्त नहीं, मुक्त सिलेंडर दो देंगे। सरकार आप बनाइए, आपके साथ हम हमेशा खड़े मिलेंगे। सब्जियों की कीमत बढ़ने से लोगों पे पड़ा प्रभाव, देश में अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे बड़ी कमी देखी जा रही है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ने से लोगों पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, जिसके साथ सब्जियों की कीमत कम हो इस मांग शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर वार किया, कहा प्याज टमाटर का माला पहनने वाले, आज क्या प्याज और टमाटर की कीमत आपको नहीं दिखती क्या। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और यह मुख्य समाचार है दोस्तों, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे। समाजवादी पार्टी ने कहा, पहले दूसरे और तीसरे चौथे चरण के मतदान के अंदर मतदाताओं ने बाबा का गर्मी निकाल दिया, जिसके कारण बाबा का भाप निकल जाने के बाद बाबा अब ठंडे पड़ते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने वार प्लेटफार स्थितियों में सबसे बड़ा संकेत लेकर के रखा है। आपको बता दें कि अब पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी, आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है, कांग्रेस पर निशाना साध रही है। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि इस बार हम ताकत के साथ चुनाव लड़कर सीटों को जीतने जा रहे हैं, विजय करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हमारे शुद्ध बनेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम और प्यार से बोलिएगा भारत माता की जय।